Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir, I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं, we are going to deal with the topic called as semiconductor. अब ये semiconductor topic जो है, ये काफी interesting topic होता है. Semiconductor के कुछ-कुछ खास बात हम लोग इस particular topic में हम लोग सीखने वाले हैं. One by one एक-एक चीजें हम लोग सीख के आगे बढ़ने वाले हैं. सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि ये semiconductor होता क्या है. सी माय डियर चिल्ड्रन, आप लोग ने इलेक्ट्रिक करंट में ये सीखा है कि जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होता है उसको हम लोग इंसुलेटर्स बुलाते हैं, एंड जिस मटेरियल का रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होता है, रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टेंस से जो प्रॉपर्टी कनेक्टेड है बहुत ही कम होता है उसको हम लोग कंडक्टर बुलाता है, एंड ऐसे मटेरियल जिनका रेजिस्टिविटी ना ही बहुत ज़्यादा है टू बिकम एन इंसुलेटर, ना ही बहुत कम है टू बिकम अ कंडक्टर, वो मीडियम रेंज में आता है, उनको हम लोग सेमी कंडक्टर्स बुलाते हैं. ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर नाम से ही पता चलता है वो आधा कंडक्टर है, मतलब वो कंडक्टर की तरह भी बिहेव कर सकता है, इंसुलेटर की तरह भी बिहेव कर सकता है. उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं. एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि सेमीकंडक्टर इज द ओनली रीजन वाई वी हैव मोबाइल फोन्स राइट नाउ, बिकॉज प्रीवियसली हमारे सारे के सारे डिवाइसेस कंडक्टर्स से बनाते थे. कंडक्टर से जो भी डिवाइसेस बनाते हैं उनको हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. सो आपने सुना होगा इलेक्ट्रिकल डिवाइस करके एक सर्टन सेट ऑफ डिवाइस होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करके एक सर्टन सेट ऑफ डिवाइस होता है. आपने शायद सोचा भी होगा कि यार इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक दो अलग अलग नाम क्यों बुलाते हैं, क्या दोनों सेम है या दोनों में कुछ डिफरेंस है. यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि उनके बीच का डिफरेंस क्या है. इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनको हम लोग ने प्योरली कंडक्टर्स यूज करके बनाया होगा. CONDR स्टैंड्स फॉर कंडक्टर्स. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर मेजर रोल जो है ना सेमीकंडक्टर का होता है. 100% नहीं, पार्शली उसके अंदर थोड़ा बहुत कंडक्टर भी इस्तेमाल किया होगा, करंट को पास करवाने के लिए जो वायर्स कनेक्ट किए वो सब कंडक्टर्स ही रहेंगे, बट मेजर रोल जो है वो सेमीकंडक्टर का होता है. ऐसे डिवाइसेस को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस करके बोलते हैं. आई बिलीव आई एम क्लियर. सो आयन बॉक्स, गीजर्स, ये सारे चीजें इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है. फ्रिज, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, बट फ्रिज के अभी मॉडर्न फ्रिज के इसमें सामने एक छोटा सा कंट्रोलर रहता है जिसमें छोटे छोटे बटन्स होते हैं या कभी कभी रिमोट्स होते हैं, छोटे छोटे LED लाइट्स होते हैं, तो वो छोटा सेंसर पैनल जो है ना वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. क्योंकि उसके अंदर सेमीकंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं. हीटिंग कूलिंग के लिए अभी भी हम लोग कंडक्टर्स ही इस्तेमाल करते हैं. मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, रिमोट कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, पुराना टीवी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, नया LED टीवी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. आपको LED लाइट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, पुराना बल्ब इलेक्ट्रिकल डिवाइस. इसमें से एक बेसिक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जनरली बल्की होते हैं और ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपैरेटिवली लेस बल्की होता है, लाइट वेट होता है, साइज भी छोटा होता है, एंड मोर ओवर उसका पावर कंजम्पशन छोटा होता है. LED लाइट और बल्ब के बीच में डिफरेंस में से ये बात तो समझ में आया होगा कि LED लाइट में पावर कंजम्पशन छोटा है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इन जनरली पावर कंजम्पशन कम ही करता है. तो हमारा मोबाइल फोन, हमारे लैपटॉप्स, ये सारी चीज़ों का पावर कंजम्पशन बहुत ही कम होता है. ये चीज़ आप डेफिनेटली दिमाग में रख लेना. ओके, सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में सीखने वाले हैं, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का हार्ट होता है, जो कोर होता है. ओके, सो सेमीकंडक्टर्स की वजह से ही आज हमारे सामने इतने सारे कॉम्पैक्ट छोटे छोटे डिवाइसेस है हमारे सामने, अदरवाइज इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अबाउट क्या बोलते हैं उसको, सेमीकंडक्टर्स क्या होता है करके. सेमीकंडक्टर के बेस्ट एग्जांपल्स जो हमारे, सी बहुत सारे टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स होते हैं, बट बेस्ट एग्जांपल जो हमारे चैप्टर में हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो एक सिलिकॉन होगा और एक जर्मेनियम होगा. ये दो चीज़ें हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल्स होने वाले हैं. सो अब स्पीकिंग अबाउट सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, अब इनका स्ट्रक्चर जनरली कैसे होता है, चलो मैं डिस्कस करता हूँ प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में. अब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को एक्चुअली एक और नाम से बुलाया जाता है, We can call them as intrinsic semiconductor. प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर को हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर के नाम से बुला सकते हैं. नाउ व्हाट इज इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, सबसे पहला पॉइंट इट इज प्योर फॉर्म ऑफ, मैं काम करता हूं अभी से ना सेमीकंडक्टर के लिए एक शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करता हूं SC, समझ जाना इट इज सेमीकंडक्टर. सो इट इज नथिंग बट प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर. ओके, अब यहां पर प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर कैसे दिखता है, सो बेसिकली क्या होता है, ये इसके साथ एक बॉन्ड बनाता है
एक मतलब बेसिकली सी सेमीकंडक्टर्स का खास बात ये होता है कि वो हमेशा ना कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं एक दूसरों के साथ। कोवैलेंट बॉन्ड्स का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, वो क्या करते हैं एक दूसरों के साथ इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। तो ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। चलो मान लीजिए मैं इसके आजू बाजू में एक सर्कल बनाता हूँ और इसके भी आजू बाजू में एक सर्कल बनाता हूँ और इसके भी आजू बाजू में एक सर्कल बनाता हूँ, तो सभी के आजू बाजू में एक एक डॉटेड सर्कल बना देता हूँ। सो उसमें से थोड़ा और क्लियर पिक्चर आप लोगों को मिल जाएगा कि व्हाट इज हैपनिंग। सो ये सर्कल मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को घूमने का जगह होता है। ओके सो मान लेते हैं कि ये सिलिकॉन एटम है। सो आई एम स्पीकिंग अबाउट सिलिकॉन एटम, ऑल दी एटम्स आर सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर। सो व्हेन यू हैव कंप्लीटली सिलिकॉन एट योर प्लेस, इट्स नथिंग बट प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर। सो इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया यहाँ पर इसके साथ, तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया इसके साथ। ओके तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिमिलरली चलो यहाँ पर सेंटर वाले की बात करते हैं। सेंटर वाले के पास चार इलेक्ट्रॉन्स है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है ये तो आप जानते ही हैं। चार इलेक्ट्रॉन्स जब शेयर करते हैं तब जाके कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। सो उसके पास क्या होता है, चार इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए होता है, तो वो भी चार इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। उसके अलावा उसके बाजू वाले भी एक एक इलेक्ट्रॉन करके टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ भी शेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन, सेंटर वाले ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, सेंटर वाले ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, सेंटर वाले ने एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। तो सेंटर वाले ने अपना चार इलेक्ट्रॉन आजू बाजू वाले के साथ शेयर किया। सिमिलरली बाजू वाले ने, ये राइट साइड वाले ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ऊपर वाले ने इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये साइड वाले ने, लेफ्ट साइड वाले ने इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया। सिमिलरली यहाँ पर नीचे वाले ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। ऐसे इसके आजू बाजू में टोटल आठ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, एक उस चार उसने शेयर किया है, चार सामने वाले ने शेयर किए हैं। सिमिलरली ये सेम स्टोरी सभी के साथ होगा, सभी लोग सभी पेयर है ना, एक इलेक्ट्रॉन आगे देगा और एक इलेक्ट्रॉन रिटर्न भी मिलेगा उनको। ये भी एक इलेक्ट्रॉन उधर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको रिटर्न मिल जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन उसको रिटर्न मिल जाएगा। सिमिलरली एक इलेक्ट्रॉन आगे देगा, एक इलेक्ट्रॉन रिटर्न मिलेगा। सो एवरीवेयर यू कैन सी दैट देयर आर टू इंटरसेक्शंस जहां पर वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं। ओके सिमिलरली इसके आगे भी ऐसा चलता रहेगा। सो दिस काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। सो प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर का फॉर्मेट कुछ इस तरह रहता है, जैसे कि यहां पर हाँ, दे ऑलवेज always exist in covalent bond. So covalent bond में वो exist करते हैं। Okay? ये है प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर का एक खास बात, जैसे कि आप जानते हैं। अब प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर, ठीक है, अभी आपको तो एक बेसिक आइडिया है कि भाई यहाँ से हम लोग ना कंडक्टर का काम भी करवाने वाले हैं। दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स मतलब अपना करंट जो है जनरेट पास करवाने वाले हैं। करंट पास करवाना है तो यू नो दैट हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। हाल फिलहाल तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मुझे बॉन्डेड ही दिखाई दे रहे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज यहाँ पर अभी तक ना मैंने टेम्परेचर का कंसिडरेशन या एनर्जी का कंसिडरेशन सोचा नहीं है। अब आप लोग जैसे रूम टेम्परेचर पर लेके आएंगे, जैसे रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, यू नो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ये सारे के सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को रूम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से कुछ तो हीट एनर्जी मिलता है उनके पास। ओके सो जब भी रूम टेम्परेचर पे आएगा इन सभी को ना हीट एनर्जी मिलता है। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स को वो हीट एनर्जी काफी होता है टू ब्रेक द बॉन्ड। सो बेसिकली कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसका बॉन्डिंग ब्रेक करके बाहर की तरफ निकल जाते हैं एट रूम टेम्परेचर। सो एट रूम टेम्परेचर व्हाट विल हैपन, लेट मी अज्यूम ये रहा एक इलेक्ट्रॉन जिसने अपना जगह छोड़ा और चलो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया, जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि अपना जगह छोड़ के यहाँ पर आ गया। सो यहाँ जगह छोड़ के यहाँ पर जब आ गया तो इसको हम लोग फिर बुलाएंगे, ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया ये। और ये क्या हो गया, ये जो अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम लोग बुलाएंगे होल। सो गोइंग फॉरवर्ड हम ना वेकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को बुलाएंगे होल। ओके सो एवरीवेयर मतलब ये ऐसा एक मैंने एग्जांपल के तौर पे दिखाया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। सो हर जगह से जहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स को ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई थोड़ा मुझे बॉन्डिंग ब्रेक करने लायक एनर्जी मिल गया, वो लोग बॉन्डिंग ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ब्रेक करके बाहर निकलेंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे, एंड जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग ब्रेक करके बाहर निकलेंगे उतने ही वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बुलाएंगे होल। ओके नाउ कीप वन थिंग इन माइंड, ये पूरा का पूरा स्टेबल है। ओके इनिशियली जीरो चार्ज था, अभी आप तो जानते हैं कि चार्ज का फंडा क्या होता है, कोई भी एक चीज है स्टेबल है, स्टेबिलिटी के ऊपर आपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उसी स्टेबिलिटी से आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वेकेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पॉजिटिव चार्ज। ओके
So this hole will behave as a positive charge. This free electron will behave as a negative charge. Obviously, negative and positive अगर वापस combine होंगे, वापस electron अपने जगह पे आ जाएगा, वापस zero charge हो जाएगा. Separate होने पे negative positive रहेगा, combine होने पे zero charge हो जाएगा. That's what I'm trying to say over here. Okay. So in this case, I will say at room temperature, few electrons. will break the bond to become a free electron. This is extremely important for us. And yeah, फिर मैं बोलूंगा leaving behind a vacancy of electron which will be called as hole. We will be calling it as hole. Okay. So, अभी एक चीज तो दिमाग में रख लेना, free electron निकला तो उसके जगह पे जो vacancy बनेगा उसको hole बुलाएंगे. तो free electron का charge क्या होता है? Free electron का जो charge होता है, that will be negative charge. Okay. Or I shall say negative charge carrier. क्यों इसको carrier बुला रहे? ये क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन है मतलब वो किधर भी मूव हो सकता है. अभी यहां पर है, थोड़ी देर के बाद मूव होके इधर भी आ सकता है. जब वो मूव होके इधर आ जाएगा, क्या वो चार्ज को पीछे छोड़ के आएगा? क्या नहीं. फ्री इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसके साथ साथ नेगेटिव चार्ज को भी लेके ही आएगा, क्योंकि उसके अंदर ही नेगेटिव चार्ज होता है. सो दैट्स व्हाई व्हेन इट इज मूविंग इट इज कैरिंग द चार्ज विद इटसेल्फ. सिमिलरली होल विल बी पॉजिटिव चार्ज कैरियर. अब आप बोलोगे ठीक है सर, आपने जो बोला वो तो समझ में आया कि नेगेटिव चार्ज मूव हो सकती है, बट होल कैसे मूव होगा? होल क्यों मूव होगा? ध्यान से देखना है यहां पर. इमेजिन कीजिए मैंने इस तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल दिया और इस तरफ नेगेटिव पोटेंशियल दिया, इस तरफ. ओके, सो हियर वी हैव नेगेटिव पोटेंशियल, हियर वी हैव पॉजिटिव पोटेंशियल. जस्ट एग्जांपल के तौर पे दिमाग में रख लीजिए. ओके, सो अगर ये पॉजिटिव पोटेंशियल है तो सीधी सी बात है ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा. सो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचेगा इस तरफ, एंड यहाँ के बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को भी खींचेगा. अब आप तो जानते हैं कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है तो रैंडमली तो उठ के नहीं आ सकता. लेकिन अगर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को पता चला कि बाजू में एक खाली जगह है जहां पर उसको सेम बॉन्डिंग मिल सकता है, सेम कंफर्ट जोन मिल सकता है, तो क्या करेगा वो इधर से जंप करके इधर आ जाएगा. एंड जब एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपना जगह छोड़ के खाली जगह पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? खाली जगह भर जाएगा इलेक्ट्रॉन से. मतलब व्हाट विल हैपन, यू नो, ये जगह इधर आ जाएगा तो इधर इलेक्ट्रॉन से भर जाएगा, फिर इधर क्या हो जाएगा? इधर एक खाली जगह जनरेट हो जाएगा. सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर, व्हेन द इलेक्ट्रॉन ट्रैवल्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, होल ट्रैवल्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके, सो ये उल्टा चला गया. सिमिलरली ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी अगर खींचेगा तो ये भी अपना जगह छोड़ के इधर आ सकता है, देन क्या होगा? इधर वैकेंसी आ जाएगा. ये भी अपना जगह छोड़ के इधर आ सकता है, देन क्या हो जाएगा? इधर वैकेंसी आएगा. सो व्हाट इज हैपनिंग, द होल इज एक्चुअली ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. दैट मीन्स होल कैन ऑल्सो ट्रैवल. सो व्हेन होल इज ट्रैवलिंग I can call the hole as a carrier, because when the hole travels, hole always is a vacancy of negative charge, which will be called as positive charge. Therefore, I will be calling hole as a positive charge carrier. So that means I'm trying to say that whenever you apply some kind of potential difference, there is always a flow of free electron as well as holes. Okay? यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है, इसको मैं erase कर देता हूँ in order to avoid confusion. क्योंकि आप लोग जब नोट डाउन करेंगे तो ये सब चीजें देख के थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हैं. तो इधर होल है. एनीवे, सो यहां पर जो मैंने बोला उसी को मैं यहां पर लिख लेता हूं. व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल्स मूव या फिर displace
टू जनरेट, सी सीधी सी बात है, एक बात तो आप तो जानते हैं कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे या होल्स मूव होंगे, बेसिकली क्या होगा, चार्ज मूव होगा। चार्ज जब फ्लो होता है या मूव होता है या डिस्प्लेस होता है तभी क्या होता है, करंट होता है कि नहीं। सो यहाँ पर व्हेन दे होल्स लाइक होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स व्हेन दे डिस्प्लेस टू जनरेट करंट, टोटल करंट जो भी जनरेट होगा वो करंट थोड़ा होल के वजह से होगा और थोड़ा इलेक्ट्रॉन के वजह से होगा, इतना करंट जनरेट होगा, दोनों के वजह से करंट जनरेट होगा। तो दैट मीन्स दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ semiconductor, the pure form of semiconductor, which is also called as intrinsic semiconductor. I believe I'm very much clear. अब my dear children, यहाँ पर मैंने ये बताया कि semiconductor, pure form of semiconductor में भी current flow possible होता है, इतना मैंने आपको बता दिया। But मैं आपको एक छोटा सा disclaimer देता हूँ, my dear children, ये जो current है ना, ये current भी काफ़ी नहीं होता है, actually ये current भी काफ़ी नहीं होता है। मतलब हम क्या होता है, हम semiconductors use करके बहुत सारे devices operate करना चाहते हैं, जैसे कि TV हो, remote control हो, या LED हो, या कुछ भी हो। ये करंट से हर जगह करंट फ्लो की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हो कि भाई ये प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर यूज करके कोई डिवाइस रन करे तो उसके लिए ना थोड़ा कंसिडरेबली गुड अमाउंट ऑफ करंट चाहिए होता है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स की बात कर रहे हैं ना वो बहुत कम है, हमें चाहिए करोड़ों करोड़ों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, बट यहाँ पर मुश्किल से लाखों इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मिलेंगे आपको। सो इसी वजह से सिंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर नॉट सफिशियंट, देयरफॉर द करंट इज नॉट सफिशियंट टू रन इन ए डिवाइस, देयरफॉर वी नेवर यूज प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर इन अ डे टू डे लाइफ। बट या वी हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग, मैंने अभी इस वीडियो में आपको प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में बताया, उसके बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई करंट कम है तो हम उसको क्या करेंगे, प्योर फॉर्म ऑफ सेमीकंडक्टर में ऐसा क्या चेंजेस लेके आने वाले हैं ताकि हम करंट फ्लो बढ़ा पाए, इसके बारे में मैं आपके सामने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा। बट पहले आप ये जरा वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। आई बिलीव सभी ने नोट डाउन कर लिया है, इस वीडियो के लिए इतना ही काफी हो जाएगा। जैसे मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो में इसका तोड़ मैं बताऊंगा, दैट इज करंट फ्लो कम है हाल फिलहाल, इसको कैसे बढ़ाया जाएगा, इसके बारे में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। दिस इज जितिन सर टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक केयर, बाय बाय।